11.1 गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। किए गए प्रयोग में आपने देखा कि तेजी से वृत्ताकार गति में घूम रहे गुटके को धागा जोड़े रखता है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में तो ऐसा कोई मजबूत धागा नहीं है जो चंद्रमा को बांध कर रखे। फिर भी ऐसा कौन सा बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी को केंद्र में रखकर नियत घूम रहा है। काफी समय तक लोगों का यह मानना था कि चंद्रमा और अन्य वस्तुओं को आकर्षित करना पृथ्वी का विशेष गुण है और इसी के कारण चंद्रमा और अन्य सभी तारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। किंतु तारामंडल तथा ग्रहों में विभिन्न अवलोकनों के साथ यह मान्यता मेल नहीं खा रही थी। कोपरनिकस के सौर केंद्रित ब्रह्मांड की धारणा एवं केपलर के नियमों के साथ भी यह मान्यता ठीक नहीं बैठ रही थी। उनके अनुसार अगर सूर्य केंद्र में है और ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं, कुछ वैसे ही जैसे पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा का घूमना, तो यह मानना होगा कि जैसे पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है, उसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस संदर्भ में आइजक न्यूटन ने अन्य वैज्ञानिकों के काम को समझकर तथा सभी अवलोकनों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि आकर्षण बल केवल पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में ही नहीं बल्कि संसार की हर छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बीच होता है। पत्थर, धूल कण, पानी, ग्रह, तारे इत्यादि प्रत्येक वस्तु द्रव्यमान के कारण हर दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाते हैं। द्रव्यमान के कारण आकर्षित करने का यह गुण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान एवं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दिखाए गए चित्रानुसार मान लें कि कोई दो पिंड ए और बी आर दूरी पर स्थित है। ये एक दूसरे को एफ बल से आकर्षित करते हैं। पिंड ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः एम वन तथा एम टू है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाले बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपातिक M1 गुणित M2 एवं दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपातिक 1 बटे R के घात 2। समीकरण 1 और 2 से F समानुपातिक M1 गुणित M2 बटे आर की घात 2, एफ बराबर कैपिटल जी एम वन गुणित एम टू बटे आर की घात 2। न्यूटन के समय कैपिटल जी का मान पता नहीं था। सन 1797 में कैवेंडिश ने ज्ञात द्रव्यमान की दो वस्तुओं को कुछ दूरी पर रखकर उनके बीच के आकर्षण बल का आकलन कर समीकरण 4 से कैपिटल जी का मान ज्ञात किया। यहाँ कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एसआई पद्धति में कैपिटल जी का मान 6.67 गुणित 10 के घात ऋण 11 न्यूटन गुणित मीटर के घात 2 बटे किलोग्राम की घात 2 है। सोचिए, यदि वस्तुओं के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा? दूरी को तिगुना कर दिया जाए तो बल का मान क्या होगा? हम देख सकते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ साथ बल का मान तेजी से कम होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कैपिटल जी का मान कम या ज्यादा होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? अपने साथियों के साथ समूह में चर्चा करें।